नमस्कार दोस्तों। गाइस, लाइफ में कौन नहीं सफल होना चाहता, लेकिन सबके लिए सफल होने के मायने बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अधिकारी बनना चाहते हैं, कुछ लोग मेडिकल में जाना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। तो सबका एक अलग अलग एम होता है और उसी के हिसाब से उनका सक्सेस डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर आपकी सक्सेस का मायने है अधिकारी बनना, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे एग्जामिनेशन एजेंसी के बारे में जो आपको अधिकारी बनाने के लिए पूरे के पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करती है। गाइस, उसका नाम है SSC। SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि भारत सरकार के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट करती है। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया 4 नवंबर 1975 को सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के नाम से, लेकिन 26 सितंबर 1977 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम फिर से कन्वर्ट करके कर दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तभी से इसका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चला रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसके चेयरमैन एस किशोर हैं, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। साथ ही साथ SSC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। SSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके द्वारा भारत सरकार के लिए ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो ये आपने जाना SSC के बारे में। अब हम जानेंगे SSC के द्वारा कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो गाइस, SSC के द्वारा बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम के बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है SSC का सबसे पॉपुलर एग्जाम, जो कि SSC CGL के नाम से जाना जाता है। CGL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके अलावा SSC CHSL का एग्जाम होता है। SSC CHSL को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के नाम से जाना जाता है। इसे 10+2 के नाम से भी बहुत लोग बुलाते हैं और काफी फेमस नाम है। इसके बाद आता है SSC के द्वारा JEE का, जिसे जूनियर इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। फिर एक और वैकेंसी है जो कि SSC के द्वारा ही जारी की जाती है, उसे GHT कहते हैं। GHT का मतलब होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही फेमस वैकेंसी है। इसके साथ SSC GD कांस्टेबल के नोटिफिकेशन जारी करते हैं। SSC के द्वारा ही MTS का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन सभी के अलावा SSC के द्वारा स्टेनोग्राफर, CPO SI, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और SI के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। साथ ही साथ SSC के द्वारा ही सिलेक्शन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साइंटिफिक असिस्टेंट का नोटिफिकेशन भी SSC के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जिनके नोटिफिकेशन समय समय पर SSC के द्वारा जारी किया जाता है। पूरे प्रोसेस को SSC के द्वारा ही कंप्लीट करवाया जाता है। जनरली SSC लिंक्ड होती है DOPT से, और DOPT का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। SSC में एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं, एक सेक्रेटरी कम एग्जाम कंट्रोलर होता है। तो अब आपके पास SSC की एक बेसिक समझ हो गई होगी कि SSC एक्चुअल में है क्या, क्या काम करती है और इसके द्वारा कौन कौन सी वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं। अब हम जानते हैं SSC के द्वारा सबसे पॉपुलर वैकेंसी, जो कि SSC CGL के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में। तो SSC CGL का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया कि SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एंड CGL को हम कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसे हिंदी में संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, इसके अंतर्गत बहुत अलग अलग तरीके के पोस्ट आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, ऑफिसेस, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें ग्रुप B और ग्रुप C के पोस्ट भी आते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि गेजेटेड होते हैं और कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि नॉन गेजेटेड होते हैं। गाइस, गेजेटेड पोस्ट के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि किन्हें गेजेटेड पोस्ट कहेंगे। तो जिनकी भी नियुक्ति का आदेश सरकारी गेजेट में प्रकाशित किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं गेजेटेड पोस्ट। ऐसे ऑफिसियल को दस्तावेजों के सत्यापन का अधिकार भी दिया जाता है, और गेजेटेड ऑफिसर को हिंदी में राजपत्रित अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, और नॉन गेजेटेड ऑफिसर को अराजपत्रित अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस, SSC CGL के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में मिला के कुल लगभग 36 तरीके के पोस्ट होते हैं, और पोस्ट के हिसाब से ही एज लिमिट फिक्स की जाती है। अगर हम जनरली बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 18 वर्ष एज होनी चाहिए, यानी मिनिमम 18 वर्ष से आप अप्लाई कर सकते हो, और अधिकतम 30 से लेकर 32 वर्ष तक के लिए पोस्ट भी आपको मिल जाती हैं। चलिए हम एक एक पोस्ट और उनके एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं, साथ ही उनके डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यह ग्रुप बी के अंतर्गत आता है और गेजेटेड पोस्ट होता है। यह पोस्ट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि CAG का पार्ट होता है, और इसे अप्लाई करने के लिए 18 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हो। हमारा दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। गाइस, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी ग्रुप बी का ही पोस्ट होता है और गेजेटेड पोस्ट होता है। साथ ही अभी सेम डिपार्टमेंट का पोस्ट है जो मैंने ऊपर बताया है, और इसमें भी एज लिमिट बिल्कुल सेम है, 18 से 30 वर्ष। हमारा तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यह ग्रुप बी के अंतर्गत आता है और यह नॉन गेजेटेड पोस्ट होता है। यह सेंट्रल सेक्रेटरियट सर्विस का पार्ट है, और इसमें एज लिमिट मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष है। इसके साथ जो चौथा पोस्ट है, यह बिल्कुल सेम है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, बट यहां पर डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। चलिए हम डिपार्टमेंट को देख लेते हैं। तो यहां पर आपका सिलेक्शन इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत होगा, और यहां पर एज 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला पोस्ट भी असिस्टेंट
सेक्शन ऑफिसर ही है, जबकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आएगा। ग्रुप बी का ही पोस्ट है और 20 से 30 यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत और यहाँ पर भी एज 20 से 30 वर्ष है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट भी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेकिन ये आएगा AFHQ के अंतर्गत। AFHQ को आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसमें एज लिमिट जो आपकी होती है वो 20 से 30 वर्ष होती है। अगला पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत और इसके बाद आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट है उनके लिए हायर किए जाते हैं और इसमें एज 18 से 30 वर्ष है। अगला पोस्ट है असिस्टेंट का, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं और यह भी ग्रुप बी का पोस्ट है 20 से 30, यहां पर भी आपकी एज लिमिट फिक्स की गई है। अगले पोस्ट को देख लेते हैं, यह है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का जो पोस्ट है यह ग्रुप सी का पोस्ट है और यह आता है CBDT के अंतर्गत। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इसमें एज है 18 से 30 वर्ष। अगला पोस्ट है इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज, यह भी ग्रुप बी का पोस्ट है और यह आता है CBIC के अंतर्गत। CBIC का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम और इसमें भी आपकी एज लिमिट 18 से 30 ही निर्धारित की गई है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है, CBIC के अंतर्गत ही आएगा और 18 से 30 यहां पर भी एज लिमिट है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इसमें भी 18 से 30 ही आपकी एज लिमिट फिक्स की गई है। 18 से 30 आपकी एज लिमिट फिक्स की गई है बट ये ग्रुप बी का पोस्ट है। हमारा अगला पोस्ट है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है। यह डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंतर्गत आता है और इसमें आपकी एज मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, जो कि CBI के अंतर्गत आता है। CBI का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप बी का पोस्ट और इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष एज आपकी होनी चाहिए। अगला पोस्ट है इंस्पेक्टर, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का पार्ट है, ग्रुप बी का ही पोस्ट और इसमें भी मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष एज होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट पोस्ट भी इंस्पेक्टर, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। 18 से 30 की एज क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट होता है। ये आता है इंडियन कोस्ट गार्ड में और 18 से 30 यहां पर भी एज लिमिट है। अगला है असिस्टेंट का पोस्ट, जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत आता है, अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत ही आएगा और इसमें भी जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 30 ही है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट का, जो कि आता है NCLAT के अंतर्गत। NCLAT का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए एज आपके और मैक्सिमम 30 वर्ष। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट, जो कि आता है CAG के अंतर्गत, ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 यहां पर भी एज है। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर NIA के अंतर्गत, यानी कि NIA का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ग्रुप बी का पोस्ट है। इसे अप्लाई करने के लिए 18 से 30 एज यहां पर भी दी गई है। अगला पोस्ट आता है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, यानी JSO का पोस्ट है। ये भी पोस्ट ग्रुप बी के अंतर्गत है, लेकिन इसे सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। 18 से 32 यहां पर आपकी एज क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, ये आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत, 18 से 30 यहां पर भी एज फिक्स की गई है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है ऑडिटर का, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है। अब तक मैंने ग्रुप बी के पोस्ट के बारे में बताया था और स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताया था इनकम टैक्स विभाग में, वो ग्रुप सी का पोस्ट था। अभी हम बात करने वाले ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में। तो ऑडिटर का पोस्ट ग्रुप सी का पोस्ट है, ये CAG के अंतर्गत आएगा, 18 से 27 यहां पर एज है। अगला भी ऑडिटर का पोस्ट है, लेकिन ये वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, यानी अलग-अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा और यहां पर भी 18 से 27 आपकी एज है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑडिटर का, ग्रुप सी का पोस्ट है, CGDA के अंतर्गत। CGDA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ऑडिटर, 18 से 27 यहां पर भी एज रखी गई है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट का, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है एंड CAG के ऑफिसेस के अंतर्गत आएगा, 18 से 27 यहां पर भी एज है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज ऑफिसेस डिपार्टमेंट के लिए है, 18 से 27 यहां पर भी एज है। अगला पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट या फिर अपर डिविजनल क्लर्क, ग्रुप सी का पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा, 18 से 27 यहां पर भी एज लिमिट है। हमारा 34वां पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट का, जो कि CBDT के अंतर्गत आएगा। CBDT का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये ग्रुप सी के पोस्ट में आएगा और 18 से 27 यहां पर एज लिमिट है। 35वां पोस्ट भी हमारा है टैक्स असिस्टेंट का ही, लेकिन ये CBIC के अंतर्गत आएगा, 18 से 27 यहां पर भी एज लिमिट है। और हमारा लास्ट पोस्ट है सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स विभाग में, ग्रुप सी का पोस्ट है, 18 से 27 यहां पर भी एज लिमिट है। इस तरीके से आपने समझा कि SSC CGL के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं, उनके लिए क्या क्या एज लिमिट निर्धारित की गई है। अब थोड़ा सा हम वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि क्या स्थिति है इसके वैकेंसी की पिछले कुछ समय से। तो गाइज, आप पिछले कुछ समय से अगर एनालाइज करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कम हुए
हुए हैं, यानी जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन करने का नंबर है वो लगातार घटता दिख रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि कहीं न कहीं लोगों का SSC की तरफ से रुझान कम हुआ है। तो अगर हम बात करें 2017 से, तो 2017 में लगभग 30 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, वहीं 2018 में इनकी संख्या घटकर 26 लाख ही रह गई। अगर 2019 में देखा जाए तो इनकी संख्या फिर से घटी और सिर्फ 21 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन 2020 में रजिस्ट्रेशन की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है जो कि 22 लाख के करीब है। अब देखना यह जरूरी हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन तो घट रहा है तो वैकेंसी की क्या स्थिति, क्या वैकेंसी की संख्या बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो अगर हम बात करें 2018-19 में, तो 2018-19 के सेशन में जो वैकेंसीज आई थी वो 11,271 पोस्ट की आई थी, वहीं 2019-20 में ये वैकेंसी कम हो गई और 8,500 के करीब रह गई। 2020-21 सेशन में वैकेंसी फिर कम हुई और लगभग 7,035 पोस्ट आए, और 2021-22 में अभी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आई थिंक आपको 21-22 में भी 7,000 या फिर 6,500 के करीब वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कम हुए और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी पैरेलल कम होती जा रही हैं। अब जान लेते हैं इसमें फीस कितनी लगती है। तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो ₹100 आपके लिए फीस है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। हाँ, यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक करते हैं तो दो बार आप करेक्ट कर सकते हैं। पहली बार जब आप करेक्ट करेंगे आपको ₹200 एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, जब आप दूसरी बार करेक्ट करेंगे तो आपको ₹500 एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि एज में रिलैक्सेशन कितना दिया जाता है। तो अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष आपको एज में रिलैक्सेशन है, अगर आप OBC के अंतर्गत आते हैं तो 3 वर्ष है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 वर्ष है, वहीं अगर आप एक्स सर्विस मैन है और ग्रुप बी के गेजेटेड पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो 5 वर्ष आपके लिए एज रिलैक्सेशन है, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो 10 वर्ष है, दिव्यांग OBC के लिए 13 वर्ष और दिव्यांग SC ST के लिए 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम जानेंगे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, यानी कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपके पास चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो अगर आपने CA किया है, CMA किया है, CS किया है, MCOM किया है, MBS किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज किया हुआ है, या फिर आपने MBA किया हुआ है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने MBE किया हो यानी मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई AAO पोस्ट के लिए। वहीं अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसको भी देख लेते हैं। तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यानी JSO के लिए एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही आपने 12th में 60% मार्क्स हासिल किया हुआ है मैथमेटिक्स में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स लिया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब हम अगले पोस्ट को देख लेते हैं जो कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2nd है। इसे अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन के 3 वर्षों में आपके पास स्टैटिक्स सब्जेक्ट हो तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। वहीं अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हो, कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल में बनना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी ला में होना चाहिए, यानी आपने LLB करा हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आप रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में यानी NHRC में, तो एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी यहां पर मांगा गया है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रिकॉग्नाइज हो, साथ ही आपके पास लॉ में डिग्री हो या फिर ह्यूमन राइट में डिग्री हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुई जो कि कुछ पोस्ट के लिए, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए निर्धारित की गई है। अब मैंने जितना पोस्ट आपको बताया है ना, इतने पोस्ट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जितने पोस्ट बच जाते हैं वो सारे पोस्ट के लिए सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हो, चाहे आप नारकोटिक्स में जाना चाहते हो, जो भी आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं इन 5 पोस्ट को छोड़ के उनके लिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर आपका 4 लेवल का एग्जाम लिया जाता है। सबसे पहले Tier 1st होता है, Tier 2nd होता है, Tier 3rd होता है, Tier 4th होता है। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कुछ और भी पोस्ट होते हैं उनके लिए फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और हम जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले Tier 1st को लेंगे, तो Tier 1st में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 मार्क्स का होता है। हमारा दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, जिससे भी 25 क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का होता है। तीसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिससे 25
क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है एंड हमारा लास्ट सेक्शन है इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का, जिससे भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 200 मार्क्स का हो रहा है और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का टाइम है। वहीं अगर आप स्क्राइब श्रेणी में आएंगे तो आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा होगा, इस हिसाब से 80 मिनट का टाइम रहेगा स्क्राइब श्रेणी के अंतर्गत आने वाले को। गाइस ये जो आपका एग्जाम होने वाला ना, ये ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल ज्यादातर हाई स्कूल का रहेगा, थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करोगे तो 0.50 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अब टायर सेकंड पे चलते हैं। टायर सेकंड में बेसिकली 4 पेपर होते हैं, लेकिन ये चारों पेपर सबके लिए नहीं होते, 2 पेपर सबके लिए होते हैं। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट हमारा होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और टाइम आपके पास 2 घंटे का होता है। हमारा जो दूसरा पेपर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है। तीसरा पेपर जो होता है वो कुछ लोगों के लिए होता है, वह है स्टैटिक्स का, इससे भी 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। जो हमारा चौथा पेपर है वो है जनरल स्टडीज का, जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। वहीं अगर आप स्क्राइब श्रेणी में आएंगे तो 40 मिनट इस एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी प्रत्येक पेपर में आपको 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा अगर आप स्क्राइब श्रेणी में आएंगे तो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टायर सेकंड का एग्जाम होने वाला है यह भी ऑब्जेक्टिव होगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप जिसमें भी सहज महसूस करें उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है। गाइस अगर आप कोई क्वेश्चन सही करोगे आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसमें से 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। वहीं अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो और आपको 2 नंबर मिलता है तो उसमें आपका 0.50 मार्क्स आपका काटा जाएगा। वहां पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की ही है, लेकिन चूंकि नंबर आपको ज्यादा मिल रहा है इसलिए वहां पर 0.50 मार्क्स काटा जा रहा है। अब चलते हैं हम टायर सेकंड के पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ पर। पेपर थर्ड के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो टायर थर्ड उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग जेएसओ के लिए अप्लाई किए हों, यानी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हों, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई किए हों, उनको पेपर थर्ड देना पड़ेगा और इस पेपर थर्ड का नंबर उन्हीं के लिए यूजफुल होगा। पेपर फोर्थ के बारे में समझ लेते हैं। पेपर फोर्थ अगर आपने AAO पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो आपको पेपर फोर्थ देना पड़ेगा। और पेपर फोर्थ का मार्क्स, इनका डिटेल सिलेबस आप स्लाइड में देख सकते हैं या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टायर थर्ड पर गाइस, टायर थर्ड भी सबके लिए जरूरी है, सबको ही देना पड़ेगा। जो आपका टायर थर्ड होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी इसमें पेन पेपर के माध्यम से आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपको एसे, प्रीसियस, लेटर, एप्लीकेशन लिखने पड़ते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मिनट का टाइम होता है। अगर आप स्क्राइब में आते हैं तो 80 मिनट आपके पास यहां पर होता है। ध्यान रखना, इसमें अगर आपको रोल नंबर, सिग्नेचर या फिर थंब मांगा जाए तो वो आप सही सही अपना ही करिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं टायर फोर्थ पर, जो कि स्किल टेस्ट होता है। इसमें आपको 2 तरीके के टेस्ट मिलेंगे। सबसे पहला होता है CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और सेकंड होता है डेस्क यानी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट होते हैं। ये दोनों टेस्ट सभी के लिए, कुछ पोस्ट के लिए डेस्क जरूरी होता है और कुछ पोस्ट के लिए CPT जरूरी होता है। चलिए देख लेते हैं किन किन पोस्ट के लिए कौन कौन से जरूरी होते हैं। इसको समझने के पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पेपर का लेवल कैसा होगा। तो जो आपका टायर सेकंड का पेपर फर्स्ट है उसका लेवल हाई स्कूल का होगा, टायर सेकंड के पेपर सेकंड का लेवल इंटरमीडिएट का होगा, सेकेंड के पेपर थर्ड का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और फोर्थ का भी लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अब जानते हैं स्किल टेस्ट किसके किसके लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेस्क की। तो अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनना चाहते हैं CBIC में या फिर CBDT में तो आपको डेस्क देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप UDC या फिर SSA बनना चाहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में, तो भी आपको डेस्क देना पड़ेगा। इसमें जो आपका टेस्ट होने वाला है वो 8000 के डिप्रेशन का होगा पर आर के हिसाब से, लेकिन आपको जो टेस्ट देना है वो सिर्फ 15 मिनट का होगा और उसमें 2000 के डिप्रेशन आपको टाइप करना पड़ेगा। और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स आपके सिलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। अब आते हैं हम CPT पर, कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसके किसके लिए जरूरी होता है। तो गाइस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपके 3 टेस्ट होंगे। सबसे पहला आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा जो कि 15 मिनट का होगा, इसके बाद स्प्रेडशीट टेस्ट होगा जो कि 15 मिनट का होगा, एंड लास्ट आपका जनरेशन ऑफ स्लाइड होगा, ये भी 15 मिनट का होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों सेक्शन में आपके पास 15-15 मिनट का टाइम होगा।
होगा। ये एग्जाम भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। चलिए देख लेते हैं कि ये जो सीपीटी है वो किन किन पोस्ट के लिए जरूरी है। तो पहला, अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में अप्लाई करते हैं तो आपको सीपीटी देना पड़ेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, तो हम डिपार्टमेंट को भी देख लेते हैं। तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाते हैं तो आपको देना पड़ेगा सीपीटी। अगर आप सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जाते हैं तो आपको सीपीटी देना पड़ेगा। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में जाते हैं तो आपको सीपीटी देना पड़ेगा। वहीं अगर आप असिस्टेंट बनते हैं एसएफआईओ में तो भी आपको सीपीटी देना पड़ेगा। एसएफआईओ का मतलब होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इसके साथ अगर आप असिस्टेंट बनते हैं जीएसआई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है तो भी आपको सीपीटी देना पड़ेगा। साथ ही अगर आप इंस्पेक्टर बनते हैं सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज में तो भी आपको सीपीटी देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इंस्पेक्टर बनते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में तब भी आपको सीपीटी देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर एग्जामिनर बनते हैं सीबीआईसी में तो भी आपको सीपीटी देना पड़ेगा। एंड लास्ट, अगर आप असिस्टेंट बनते हैं नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल में तो भी आपको सीपीटी देना पड़ेगा। तो इन लोगों को सीपीटी देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में समझते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। गाइज, मेडिकल टेस्ट को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। आरबी जैसा मेडिकल टेस्ट यहां पर नहीं लिया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किन किन पोस्ट के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है, मैं बताते चलता हूं। तो अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं सीबीआईसी में तो आपका फिजिकल मेडिकल होगा। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं सीबीडीटी में तो आपका फिजिकल मेडिकल होगा। अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं सीबीआईसी में तो आपका फिजिकल मेडिकल होगा। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं नार्कोटिक्स में तो आपका फिजिकल मेडिकल होगा। साथ ही साथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में सब इंस्पेक्टर बनना है तो भी आपको फिजिकल मेडिकल टेस्ट पार करके जाना पड़ेगा। एंड सीबीआई और एनआईए में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो भी आपको फिजिकल मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट समझेंगे, खास करके कुछ पोस्ट के लिए। जैसे कि आप अप्लाई करते हो इंस्पेक्टर के रूप में सेंट्रल एक्साइज में, प्रिवेंटिव में, एग्जामिनर में, या फिर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर सीबीएन में। सीबीएन का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में। तो आपके लिए क्या फिजिकल मेजरमेंट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ 5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन है असमीज, गरवालीज, गोरखास एंड एसटी के लिए। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। पूरे फुलाव के बाद मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। साथ ही 15 मिनट में 1600 मीटर आपको रनिंग भी करना है और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिलिंग भी करना है। यह है मेल के लिए। अब हम फीमेल के लिए देख लेते हैं सेम पोज के लिए। तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। फीमेल का वेट मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। यहाँ पर भी 2.5 सेंटीमीटर छूट दी गई है कुछ खास लोगों के लिए जो मैंने ऊपर बताया है, और वेट में भी 2 केजी का छूट दिया गया उनके लिए। फीमेल कैंडिडेट को 20 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा और 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिलिंग करना पड़ेगा। अब अगला हम देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, खास करके इन पोस्टों के लिए। अब अगर आप सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहते हैं तो क्या आपके लिए फिजिकल क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर मिनिमम फीमेल के लिए। हिल्स एरियाज एंड ट्राइबल्स के लिए यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है। 76 सेंटीमीटर यहाँ आपका चेस्ट होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद। अब बात कर लेते हैं इसमें आईज कैसी होनी चाहिए। आपका डिस्टेंस विजन 6/6 एंड 6/9 होना चाहिए एंड आपका नियर विजन 0.6 से लेके 0.8 होना चाहिए। अब अगर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या फिजिकल क्राइटेरिया है वो देख लीजिए। तो अगर आप मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं 150 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हिल्स एंड ट्राइबल्स के लिए यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है। एक्सपेंशन के बाद 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए मेल के लिए। साथ ही आपका जो विजन है वो ग्लास लगाने के बाद या बिना ग्लास 6/6 to 6/9 होना चाहिए एंड जो नियर विजन है वो 0.6 से 0.8 होना चाहिए। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे जो जो आपने मेंशन किया है। जैसे आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो, आपका फोटोग्राफ हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो, इसके साथ आपने जो क्वालिफिकेशन बताया वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, एज प्रूफ करने के लिए सर्टिफिकेट, अगर आपने EWS का लाभ लिया उसका सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग ओरिएंटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप कहीं पहले जॉब कर रहे हैं तो NOC आपको सबमिट करना पड़ेगा, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो वो एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके के सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब हम जानते हैं मिनिमम पासिंग मार्क क्या है। तो सारे टायर में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना ही होगा अगर आप पास करना चाहते हैं तो। अगर आप
ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो मिनिमम 25% मार्क्स, अगर आप एससी एसटी हैं तो मिनिमम 20% मार्क्स आपको लाना होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो कितने कट ऑफ पर हुआ है, तो कितना कट ऑफ इसका जाता है, कितना आपको टारगेट करना है आगे वाले एग्जाम में एटलीस्ट सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम टायर फर्स्ट को देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो आपका टायर फर्स्ट होता है वो 200 मार्क्स का होता है, उसका नंबर जोड़ा जाता है। टायर सेकंड जो होता है वो आपका दो पेपर होता है, दो 200 नंबर का, तो 400 नंबर का ये हो गया, तो 400 ये और टायर फर्स्ट का 200, तो 600 हो गया, प्लस टायर थर्ड जो होता है वो 100 नंबर का होता है, तो ये टोटल मिला के 700 नंबर हो गया। तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए 700 नंबर के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। बट कुछ पोस्ट जो मैंने आपको बताया है जिनके लिए पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ होता है उनका सिलेक्शन आउट ऑफ 900 पे होता है, क्योंकि जो थर्ड पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, जो फोर्थ पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कुछ पोस्ट के लिए जो फाइनल सिलेक्शन है वो 900 पे होगा और कुछ पोस्ट के लिए जो फाइनल सिलेक्शन है वो केवल और केवल 700 पे होगा। तो चलिए अब हम कट ऑफ को देख लेते हैं। कि जो प्रीवियस में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एटलीस्ट कितना नंबर लाके वो सेलेक्ट हुए हैं। तो यहां पर गाइस सिर्फ हम जनरल का कट ऑफ देखेंगे, बाकी और कैटेगरी का कट ऑफ हम नहीं देखेंगे। तो गाइस 2018 में अगर आपने AAO पोस्ट पे अप्लाई किया था तो जनरल में 170 कट ऑफ आपका गया था, जबकि JSO पोस्ट के लिए 165.96 नंबर गया था। वहीं अदर पोस्ट के लिए जो आपका कट ऑफ गया था वो 137.07 गया था। ये मैं आउट ऑफ 200 बता रहा हूं टायर फर्स्ट का कट ऑफ, इतने कट ऑफ पे लोग टायर सेकंड में क्वालिफाई हुए थे 2018 में। हम 2019-20 की बात कर लेते हैं। तो 2019-20 में अगर आपने AAO के लिए अप्लाई किया था तो कट ऑफ बढ़ के 180.12 नंबर हो गया था, वहीं JSO के लिए कट ऑफ 165.77 ही रहा, जबकि अदर पोस्ट के लिए 147.78 नंबर गया था आउट ऑफ 200। 2020 में अगर आपने AAO के लिए अप्लाई किया था तो आपका कट ऑफ 167.45 नंबर गया था, जबकि JSO के लिए 153.08 नंबर गया था, वहीं अदर पोस्ट के लिए 132.37 नंबर गया था। ये तो हमने देखा टायर फर्स्ट का कट ऑफ, टायर सेकंड तक जाए। अब हम देखेंगे टायर थर्ड तक का कट ऑफ, कि कितने कट ऑफ पे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप AAO के लिए अप्लाई किए हैं तो फाइनली आपका जो कट ऑफ गया था वो 710.40 नंबर गया था आउट ऑफ 900, जबकि JSO के लिए 536.76 नंबर गया था आउट ऑफ 900। इसके अलावा जो पोस्ट बचते हैं उन सारे पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गया था वो 605.40 नंबर गया था आउट ऑफ 700। तो ये तो रहा कट ऑफ जिन पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो गाइस अब तक हमने SSC CGL को लेके बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इसके एक एक पोस्ट के बारे में, उनमें आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है, साथ ही साथ कितनी सैलरी मिलती है, साथ ही साथ आपका काम क्या होता है, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे बताएंगे कि आपको SSC CGL की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो चलिए इन पोस्ट के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 4800 ग्रेड पे का पोस्ट होता है, जिसमें पे स्केल 9300 से लेकर 34800 के बीच में होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको इनहैंड सैलरी लगभग 60,000 से 65,000 रुपए पर महीने मिलेगी। इसमें आपका काम होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कंडक्ट करवाना, साथ ही साथ ऑडिट के दौरान आपको ट्रेवल भी ज्यादा करना पड़ सकता है इस जॉब में। तो जान लेते हैं इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो AAO के पोस्ट के रूप में होती है, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के रूप में होती है। उसके बाद आप ऑडिट ऑफिसर बनते हो, उसके बाद डिप्यूटी अकाउंट जनरल के पोस्ट पे आप पहुंचते हो, और उसके बाद सीनियर अकाउंट डिप्यूटी जनरल के पोस्ट पे पहुंचते हो। तो इस तरीके से आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है AAO के जॉब में। हमारा दूसरा जॉब है इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBEC। यह 4600 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आपको पे स्केल 9300 से लेकर 34800 के बीच में होता है, यानी यहां पर जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग 60,000 के करीब होगी। अगर इनकी पोस्टिंग ऑफिसेज में होती है तो इनका काम होता है क्लर्कियल रिलेटेड, लेकिन अगर इनकी पोस्टिंग फील्ड में होती है तो पोर्ट पर जो गुड्स आते हैं उनमें सही से टैक्सेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये जांच करते हैं। इसमें आपका पहला प्रमोशन जॉब पाने के 3 वर्ष के बाद होता है और अप्राइजर पे होता है, उसके बाद आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनने का मौका मिलता है, और उसके बाद डिप्यूटी कमिश्नर और सबसे लास्ट में कमिश्नर तक जाने का आपको अवसर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है CBDT में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। इसका भी ग्रेड पे बिल्कुल सेम है 4600 रुपए, और यहाँ पर भी पे स्केल बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर भी जो आपको सैलरी मिलेगी वो लगभग 60,000 के करीब होगी। बेसिकली इनका काम इंडिविजुअल या फिर बिजनेस के इनकम टैक्स को रिव्यू करना, प्रोसेस करना, वेरीफाई करना होता है, साथ ही साथ ये रेड भी कंडक्ट करते हैं। इनकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। इनका पहला प्रमोशन जॉब पाने के 8 वर्षों के बाद होता है टैक्स ऑफिसर के रूप में, और इसके बाद इनका प्रमोशन होता है असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में, फिर डिप्यूटी कमिश्नर, और लास्ट में कमिश्नर रूप में। अगला पोस्ट हमारा है असिस्टेंट का। अगर आप MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट बनते हो तो यहां पर भी ग्रेड पे बिल्कुल सेम है, साथ ही साथ आपको यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ेगा, लाइक टाइपिंग,
ईमेल, कॉलिंग, क्रिएट रिपोर्ट एंड फाइल मेंटेनिंग, इस तरीके का काम आपका होता है। इसमें आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। इसमें आपका पहला प्रमोशन 8 वर्ष में हो सकता है अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं तो। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं करते, उसमें नहीं बैठते, तो आपका पहला प्रमोशन 15 से 17 वर्ष सर्विस करने के बाद होता है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर का। इसमें भी ग्रेड पे और सैलरी बिल्कुल सेम है। इनका भी काम टैक्स रिलेटेड होता है, लेकिन अगर इनकी ज्वाइनिंग हेडक्वार्टर में होती है तो ये फाइल रिलेटेड वर्क भी करते हैं। इनकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। साथ ही साथ इनका पहला प्रमोशन 8 वर्ष में हो सकता है अगर ये डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठते हैं तो। प्रमोशन के बाद ये सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। इसके बाद भी अगर प्रमोशन हो पाता है तो डिप्यूटी कमिश्नर बनते हैं और लास्ट में कमिश्नर तक जा सकते हैं। हमारा अगला पोस्ट है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर। इसमें भी ग्रेड पे और सैलरी कमोबेश सेम ही है। इनका काम कहीं अगर स्मगलिंग हो रही है तो उसकी जांच करना, साथ ही साथ फायर रिलेटेड क्लर्कियल वर्क भी इनका हो सकता है। साथ ही जो सामान होते हैं उस पे कस्टम ड्यूटी लगी है या फिर नहीं लगी, इसकी जांच करना, ये सारी चीजें इनके अंतर्गत आ जाती हैं। इनका भी पहला प्रमोशन 8 वर्ष पे हो सकता है अगर ये डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर करते हैं। अदरवाइज इनके फर्स्ट प्रमोशन के बाद ये सुपरिटेंडेंट बनते हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, फिर डिप्यूटी कमिश्नर और लास्ट में कमिश्नर बनते हैं। अब अगर आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हो तो यहाँ पर भी लगभग आपकी सैलरी सेम ही जाती है। इसका भी ग्रेड पे 4600 ही है और यहाँ पर आपको जो काम करना पड़ता है तो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में आपको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना पड़ेगा। इसमें कोई फिक्स प्रमोशन पीरियड नहीं होता, बट यहाँ पर जब आपका प्रमोशन होता है तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन पाते हो। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर और उसके बाद डिप्यूटी डायरेक्टर और लास्ट में डायरेक्टर तक जा सकते हो। हमारा अगला पोस्ट है असिस्टेंट का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। इसमें भी ग्रेड पे बिल्कुल सेम है, 4600 ग्रेड पे का ही जॉब है। सैलरी भी लगभग 55 से 60 हजार के करीब आपको मिलती है। यहाँ पर आपका काम विजिलेंस एक्टिविटी को मॉनिटर करने का होता है, साथ ही साथ केस फाइल्स को मेंटेन करना भी होता है। इसमें आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं पर भी हो सकती है और पहला प्रमोशन 7 से 8 साल के बाद होता है। पहले प्रमोशन के बाद आप सेक्शनल ऑफिसर बन सकते हो, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी बनते हो, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी और लास्ट में आप सेक्रेटरी बन सकते हो और लास्ट में आप डायरेक्टर बन सकते हो। अगला पोस्ट है AFHQ में असिस्टेंट। तो यहाँ पर भी ग्रेड पे 4600 है, सैलरी लगभग 55 से 60 हजार रुपए महीने के करीब होगी। इसमें आपका काम क्लर्कियल वर्क के रूप में होगा, जैसे कि फाइल मेंटेन करना, रिपोर्ट तैयार करना, साथ ही जो केसेस हैं उनको ट्रैक करना, ये सारा काम होता है आपके अंतर्गत। इसमें आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी या फिर अदर मेट्रो सिटीज में होती है। यहाँ पर आपका पहला प्रमोशन 4 वर्ष सर्विस करने के बाद होता है, दूसरा प्रमोशन 6 वर्ष सर्विस करने के बाद होता है, जबकि तीसरा प्रमोशन 5 वर्ष सर्विस करने के बाद होता है और चौथा प्रमोशन भी 5 वर्ष सर्विस करने के बाद होता है। इसमें प्रमोशन के बाद आप सेक्शन ऑफिसर बनते हो, इसके बाद डिप्यूटी डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर और लास्ट में प्रिंसिपल डायरेक्टर तक जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अगर आप असिस्टेंट बनते हो तो यहाँ पर भी ग्रेड पे 4600 ही है, तो सैलरी लगभग 55 से 60 हजार के करीब ही होगी। इसमें आपको क्लर्कियल वर्क करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके सुविधा स्वरूप अगर आप पूरे भारत में कहीं भी जाएंगे तो इसके लिए आपको पास मिल जाता है। अगर आप इसके डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठते हो तो लगभग 5 से 6 साल के बाद का पहला प्रमोशन हो जाता है, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से नहीं लेते हो प्रमोशन तो लगभग 7 से 8 साल में आपका पहला प्रमोशन होता है। प्रमोशन के बाद आप सेक्शनल ऑफिसर बन सकते हो, अंडर सेक्रेटरी बन सकते हो, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी और लास्ट में डायरेक्टर। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट का, जो कि आईबी में यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आप असिस्टेंट बनते हो तो इसमें क्या कुछ है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी ग्रेड पे 4600 ही है, अर्थात सैलरी यहाँ पर भी 55 से 60 हजार रुपए के करीब ही होगी। यहाँ पर आपको एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए कंप्यूटर पर भी आपको डाटा ओरिएंटेड काम करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग आईबी के हेडक्वार्टर में हो सकती है या फिर दिल्ली में कहीं होगी। यहाँ पर जब आप प्रमोट होते हो तो सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर बनते हो, फिर अंडर सेक्रेटरी और फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी। हमारा अगला पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि CSS के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी ग्रेड पे सैलरी बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर आपका काम नोट तैयार करना, फाइल तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना और अपने सुपीरियर को सबमिट करना होता है। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में अलग अलग मिनिस्ट्रीज में होती है। यहाँ पर आपका पहला प्रमोशन 10 साल में होता है, दूसरा प्रमोशन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हो तो 5 साल में होता है, जबकि दूसरा प्रमोशन अगले 4 वर्ष में होता है। इसमें भी आप सेक्शन ऑफिसर बनते हो, अंडर सेक्रेटरी बनते हो, सेक्रेटरी बनते हो, डिप्यूटी सेक्रेटरी बनते हो और फिर आप डायरेक्टर बनते हो। हमारा अगला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर CBI। तो CBI में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हो तो यहाँ पर भी ग्रेड पे और सैलरी बिल्कुल सेम है। जान लेते इसमें काम क्या होता है। यहाँ पर आपको स्टेट पुलिस के रूप में काम करने को मिलता है, बट आपके पास पावर ज्यादा होती है। यह अत्यंत ही चैलेंजिंग जॉब होता है और इसमें तब आपकी एंट्री होती है जब कोई केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो। अगर यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 32 वीक ट्रेनिंग के बाद आप ज्वाइनिंग करते हो। यहाँ
पर आपका पहला प्रमोशन 5 साल में हो जाता है, जबकि दूसरा प्रमोशन 10 से 12 वर्ष में होता है, तीसरा प्रमोशन 5 से 7 साल में हो जाता है। सबसे पहले आप सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन करते हो, फिर आप इंस्पेक्टर बनते हो, फिर आप डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट बनते हो, फिर आप सुपरिंटेंडेंट बनते हो और लास्ट में आप सीनियर सुपरिंटेंडेंट बनते हो। हमारा अगला पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट, जो कि कैग के अंतर्गत आता है। यह 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आपका पे स्केल 9300 से लेकर 34800 ही है, यानी यहाँ पर आपकी सैलरी लगभग 50 से 55 हजार रुपए महीने के हिसाब से होती है। यहाँ पर आपका काम ऑडिटिंग रिलेटेड होता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह होती है कि यहाँ पर आपको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता और ज्यादा यहाँ पे आपका ट्रांसफर भी नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि यह जॉब काफी स्टेबल जॉब है। तो यहाँ पे आपका प्रमोशन डिविजनल अकाउंट ऑफिसर सेकंड के रूप में होता है, फिर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट के रूप में होता है और लास्ट में सीनियर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर के रूप में होता है। हमारा अगला पोस्ट है इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, यह भी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी 50 से 55 हजार रुपए महीने के बीच में होगी। इसमें आपका काम होता है कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि बैन किए गए हैं उनकी निगरानी करना, साथ ही साथ आपको कंपनियों की चेकिंग भी करनी पड़ती है। यहाँ पर आपके पोस्टिंग के ज्यादा चांसेस नॉर्थ इंडिया में होता है। यहाँ पर आपका पहला प्रमोशन सुपरिंटेंडेंट ऑफ नारकोटिक्स के रूप में होता है, आपका दूसरा प्रमोशन असिस्टेंट नारकोटिक्स कमिश्नर के रूप में होता है, आपका तीसरा प्रमोशन डिप्यूटी नारकोटिक्स कमिश्नर के रूप में होता है और लास्ट में आप कमिश्नर बनते हो, एंड लास्ट में आप नारकोटिक्स कमिश्नर बनते हो। हमारा अगला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर NIA, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हो तो इसमें क्या कुछ है वो देख लेते हैं। तो यह भी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, यहाँ पर भी आपकी सैलरी 50 से 55 हजार महीने के बीच में होगी। यहाँ पर आपका काम होगा नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है टेररिज्म एक्टिविटी अगर कहीं आपको देखने को मिल रही है तो गाइज यहाँ पर ये जो जॉब है ना, इसमें आपको ट्रेवल करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे सबूत आपको इकट्ठा करने पड़ते हैं, इसलिए ये काफी चैलेंजिंग जॉब भी होती है। और तब ज्यादा चैलेंजिंग होती है जब भारत में कोई टेरर अटैक होता है और वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज आपको इस जॉब में देखने को मिल सकता है। यहाँ आपका पहला प्रमोशन 5 वर्ष में होगा, प्रमोशन के बाद आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाओगे, उसके बाद अगले प्रमोशन में आप डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट बनोगे और लास्ट में सुपरिटेंडेंट। हमारा अगला पोस्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, तो यह भी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, यहाँ पर भी 50 से 55 हजार रुपए के बीच में आपकी सैलरी होती है। यहाँ पर आपका काम क्या है कि भारत सरकार के बहुत सारी स्कीम्स होते हैं, तो उन स्कीम्स से रिलेटेड डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, साथ ही उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, अभी क्या ग्रोथ हुआ है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तो ये आपका काम होता है। इसमें प्रमोशन बहुत ही स्लो होता है, सबसे पहला प्रमोशन होगा तो आप सीनियर स्टैटिकल ऑफिसर बनोगे, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बनोगे, उसके बाद डिप्यूटी डायरेक्टर और में ज्वाइंट डायरेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है इंस्पेक्टर का ही, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत आता है। यह भी 4200 ग्रेड पे का जॉब है, इसमें भी सैलरी कमोबेश 50 से 55 हजार के बीच में ही होती है। तो यहाँ पर आपका काम होता है कि पोस्ट ऑफिस के बिजनेस को एक्सपेंड करना, प्रमोट करना, और आपके अंडर में लगभग 60 से 70 पोस्ट ऑफिस होती है, साथ ही साथ कुछ लोग आपको असिस्ट भी करते हैं। इसमें आपकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है, साथ ही आपका पहला प्रमोशन 5 वर्ष पे होगा अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठते हो। तो पहले प्रमोशन पे आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के रूप में जाते हो, इसके बाद आप पोस्टल सुपरिटेंडेंट बनते हो, इसके बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट आप पोस्ट में जाते हो, एंड लास्ट में आप सीनियर सुपरिटेंडेंट आप पोस्ट में जाते हो। तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो आपका ग्रेड पे है वो 6600 हो जाता है। अगला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यह भी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, सैलरी कमोबेश सेम ही होती है 50 से 55 हजार। यहाँ पर आपको एज ए इंस्पेक्टर के रूप में काम करना पड़ेगा, पर यहाँ पर फील्ड वर्क का ज्यादा ही आपको काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ट्रेवल भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका मेन काम होगा नारकोटिक ड्रग को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर प्रमोशन के बाद आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाओगे, उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ नारकोटिक्स बनोगे, इसके बाद असिस्टेंट नारकोटिक कमिश्नर बनोगे, इसके बाद डिप्यूटी नारकोटिक कमिश्नर बनोगे, एंड लास्ट में आप नारकोटिक कमिश्नर बनोगे। पोस्ट है ऑडिटर का, जो कि कैग के अंतर्गत है। यह 2800 ग्रेड पे का जॉब है, इसमें आपका पे स्केल 5200 से 20200 होगा, साथ ही साथ जो आपको सैलरी इसमें मिलेगी वो लगभग 40 से 45 हजार होगी। इसमें जो आपका काम है वो ऑडिट एक्सपेंस रिपोर्ट तैयार करना, साथ ही साथ अकाउंट का काम देखना है। इसमें आपका पहला प्रमोशन 3 वर्ष के सर्विस के बाद हो जाता है, जबकि दूसरा प्रमोशन 2 वर्ष के बाद हो जाता है अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से प्रमोशन लेते हो। तो अब यहाँ पर प्रमोशन के बाद आप ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बन जाते हो, उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाते हो। इसके साथ जो अगला पोस्ट ऑडिटर CGDA का है वो भी बिल्कुल सेम ही है प्रीवियस पोस्ट की तरह, और इसके बाद जो पोस्ट आता है CGA ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है, तो इन दोनों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा अगला पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट, अगर आप CBEC में टैक्स असिस्टेंट बनते हो तो यहाँ पर क्या कुछ है उसको देख लेते हैं। तो ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है, यहाँ पर पे स्केल 5200 से 20200 के बीच में है। तो यहाँ अगर आपकी इनहैंड सैलरी की बात करें तो लगभग यहाँ आपकी सैलरी 35 से 40 हजार रुपए महीने के बीच में हो सकती है। इसमें आपको जो काम करना पड़ेगा वो डेस्क ऑफिसर के रूप में काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ टैक्स डाटा को एसेस करना, वेरीफाई करना, मॉडिफाई करना होता है, अपने हायर ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करना, असिस्ट करना होता है। यहाँ पर अधिकतर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटीज में होती है। यहाँ पर आपका पहला प्रमोशन 3 वर्ष में होता है और दूसरा प्रमोशन 3 से 4 वर्ष में हो जाता है। सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर, इसके बाद सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्यूटी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर और फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रमोशन होते हैं। हमारा अगला पोस्ट है अकाउंटेंट या
जूनियर अकाउंटेंट जो कि कैग के अंतर्गत आता है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये भी 2800 ग्रेड पे की जॉब है जिसमें आपका पे स्केल 5200 से लेकर 20200 के बीच में होता है, यानी यहाँ पर भी आपकी सैलरी जो है कमोबेश 45 से 50 हजार रुपए के बीच में होती है। इसमें आपको क्लर्कियल वर्क करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको अलग अलग तरीके के बिल, सैलरी, अनाउंस पास करने होते हैं। इसके अलावा आपको पेंशन पर, जीपीएफ पर काम करना पड़ता है। यहाँ पर जनरली आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। यहाँ पर आपका पहला प्रमोशन 3 वर्ष पे होता है, यहाँ पर आपका दूसरा प्रमोशन AAO एग्जाम के बाद होगा और तीसरा प्रमोशन 15 वर्ष सर्विस करने के बाद होगा AAO पोस्ट पे। हमारा अगला पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का। यह भी 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है जिसमें पे स्केल 5200 से 20200 के बीच में होता है, यानी यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो 35 से 40 हजार महीने के बीच में हो सकती है। इसमें आपका काम संबंधित डिपार्टमेंट के फाइल को मेंटेन करना, जो डिपार्टमेंटल मेल्स आते हैं उनको रिप्लाई करना, RTI का रिप्लाई करना, साथ ही साथ डाटा एंट्री का काम। जनरली यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। यहाँ पर आपका पहला प्रमोशन लगभग 5 वर्ष पे होता है और दूसरा प्रमोशन 6 से 7 वर्ष के बाद होता है। जनरली आप यहाँ पे पहले असिस्टेंट बनते हो, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर के रूप में नियुक्त हो जाते हो। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। यह भी 4800 ग्रेड पे की जॉब है, यानी यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो लगभग 65 से 70 हजार रुपए महीने के बीच में हो सकती है। इसमें आपको फाइनेंशियल वर्क करना पड़ता है जिसमें आपको अकाउंट को, फंड को, पेंशन, लोन, इस तरीके की चीजों को हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट है उन सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट को देख लिया, उनमें सैलरी कितनी मिलती है, साथ ही साथ उनके काम क्या होते हैं और उनके करियर का ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब लास्ट पॉइंट हम कवर करेंगे कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो गाइस किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के पहले सबसे पहले उसके एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत होती है। इस वीडियो की मदद से हमने बहुत डिटेल में आपको एग्जाम पैटर्न समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर अब भी होती है तो आप फिर से एग्जाम पैटर्न चेक करिए, आप फिर से एग्जाम पैटर्न समझने का प्रयास करिए। इसके बाद आपको डिटेल सिलेबस को भी अच्छे तरीके से समझ लेना है। डिटेल सिलेबस अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है। गाइस कितना पढ़ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो पाती है और आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन कर पाते हो। तो सिलेबस को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको एनालाइज करना है। इसके बाद मार्केट में जो भी अच्छी बुक्स आती हैं उन अच्छी बुक्स को आपको कलेक्ट करना है और सेक्शन वाइज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। गाइज इस तैयारी के दौरान आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा आप बनाइए जो कि आप इजीली फॉलो कर पाएं, ऐसा इतना डिफिकल्ट भी ना हो कि आप उसे फॉलो ही ना कर पाएं। साथ ही साथ पढ़ाई के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि कभी आप 12 घंटे पढ़ लिए और कभी कभी ऐसा भी हो कि आप 1 घंटे ना पढ़ें। आप एक निश्चित आप टाइम बनाइए, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जो भी आप पढ़ पाते हो और वो कंटिन्यू पढ़ने का प्रयास करिए। गाइज इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको एक चीज ध्यान रखना कि आप जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आप जरूर करिए। आप जो पढ़ रहे हो जब आप अगले दिन आगे से स्टार्ट करते हो तो पीछे जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करिएगा। और वीक में एक ऐसा दिन आप निकालिए, संडे को निकाल लीजिए, जिस दिन आपने जितना पढ़ा है पूरे वीक में पूरे वीक का आपको रिवाइज करना है। यह चीज बहुत जरूरी है और यह आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा माइलेज प्रोवाइड करेगी। जब आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको यह भी समझ आएगा कि आपका कौन सा पॉइंट बहुत ज्यादा वीक है। तो जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास अभी काफी टाइम है, एग्जाम अभी आपका 1 साल है या फिर 10 महीने है, तो आप अपने वीक पॉइंट को एनालाइज करिए, वीक पॉइंट को आप स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए, साथ ही साथ जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे आप और भी स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपने वीक को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। साथ ही साथ बच्चों का एक प्रश्न आता है कि कोचिंग क्लासेस लेना जरूरी है क्या? तो गाइस कोचिंग क्लासेस लेना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो यह पता चलेगा कि आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। अब पता चला आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता और आप खुद से प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, अच्छी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो। लेकिन अगर सारा सेक्शन आपका ठीक है तो आप खुद से भी प्रिपरेशन करके और SSC CGL क्रैक कर सकते हो। गाइस इस एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। इस स्पीड को तेज़ करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, आप क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं करोगे, साथ ही प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट में जो क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो वो आपसे छूटेंगे नहीं। साथ ही क्वेश्चन SSC कैसे पूछता है उस क्वेश्चन के स्तर को भी आप समझ पाओगे। और लास्ट में चलते चलते एक टिप्स कि अगर आपको SSC CGL क्रैक करना है तो आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये दोनों बहुत ही बेहतर होना चाहिए, तो आपको इन दोनों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इनके बिना आप SSC CGL क्रैक नहीं। तो गाइस उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा। थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज्यादा है लेकिन यहां पर अगर आप SSC CGL के लिए टारगेट कर रहे हो और पूरी वीडियो आप देख लियो तो मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।